2020 हटाओ नीतीश का नारा दिया है लालू प्रसाद यादव ने। अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है उन्होंने, 2020 हटाओ नीतीश। अक्सर जब लालू प्रसाद यादव अपनी रणनीति बनाते हैं तो कोई ना कोई नारा जरूर देते हैं। झारखंड में भी कुछ इसी तरीके का देखा था और तख्ता पलट गया। झारखंड में रघुवर सरकार बन गई। अब एक बार फिर से बिहार के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं लालू प्रसाद यादव और लगातार ट्वीट कर रहे हैं 2020 हटाओ नीतीश। तो क्या वाकई में 2020 में नीतीश हट जाएंगे? सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन नारा जरूर दिया है लालू प्रसाद यादव ने। और इनसे भी ज्यादा राबड़ी देवी हमलावर नजर आ रही हैं। राबड़ी देवी शेल्टर हाउस मामले पर लगातार ट्वीट कर रही हैं और कह रही हैं कि नीतीश कुमार बताएं किस दरिंदे के इशारे पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का कांड हुआ और 34 बच्चियों का सामूहिक बलात्कार हुआ। इस तरीके से राक्षसों को बचाने के लिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सीबीआई तबादला कर रही है। सीएम मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बचाने के लिए प्रयासरत है। इस तरीके से राबड़ी देवी ने भी खूब हमला बोला है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरीके से हमलावर हो चुके हैं नीतीश कुमार पर। राबड़ी देवी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, और भी बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं और लगातार ट्वीट करती हुई हमलावर हो रही है नीतीश कुमार पर। इसके पहले भी नीतीश कुमार पर हमला बोला था उन्होंने और कहा था कि भूत उतर जाएगा। भूत के मामले में लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष हो रहा था। इसको लेकर कहा जा रहा था कि जब राबड़ी देवी निकली थी आवास से तो उन्होंने उसमें भूत छोड़ रखा था। लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगाया था नीतीश कुमार ने, तो लालू प्रसाद यादव ने भी पलटवार किया। लालू के अलावा राबड़ी देवी भी चुप नहीं रही, उन्होंने भी कहा कि भूत उतर जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये वार पलटवार कब तक जारी रहता है और कब तक बिहार की सत्ता में परिवर्तन नजर आता है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।